शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में गोरखपुर खेल महोत्सव के चौथे दिन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि खेल महोत्सव में 8 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो कि अलग अलग दिनों पर खेला गया है तथा इस खेल महोत्सव में 900 बच्चों ने अलग अलग खेलों में भाग लिया है। इस अवसर पर शुभम मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय कुश्ती संघ के प्रदेश सचिव आदित्य प्रताप सिंह ने कहा, भैरवपुर वर्सेज भक्सा के बीच खेला जाएगा, जो कि मुख्य निर्णायक की भूमिका में रमन भैया और सेकंड निर्णायक की भूमिका में रमेश भैया रहेंगे। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं के साथ आप लोग को हर सुविधाएं और उतना ही पास रिसीव देने का पास ब्लॉक टू ब्लॉक दो नंबर की जर्सी में और चेकआउट लेने का प्रयास, मगर दोनों टीमें तूझ बूझ के साथ खेलते हुए बूस्टर के हाथों में छोटी बॉल मारने का प्रयास और यहाँ पर आदित्य प्रताप सिंह ये शहीद रविंद्र सिंह जी पूर्व विधायक कौड़ी राम की स्मृति में गोरखपुर खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें 8 खेल भाग ले रहे हैं। उन आठों खेल मिला करके लगभग 900 बच्चों ने भाग लिया। आज वॉलीबॉल का, फुटबॉल का और हॉकी का तीनों का सेमीफाइनल मैच होना है। कल फाइनल मैच खेला जाएगा। कल वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, हॉकी का और कबड्डी का चारों ग्रुप खेल का कल फाइनल है और कुश्ती का भी कल सारे 10 वजनों का फाइनल है।